क्लास 11वीं वाले का है कंप्यूटर का पेपर कल 30 सितंबर नूं। इस वीडियो दे विच इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करांगे तुहाडे सितंबर एग्जाम दे सिलेबस दे अकॉर्डिंग। तो 50 नंबर का ही तुहानू पेपर आना वा, 3 घंटे तुहानू मिलणगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं तुहाडे सिलेबस अकॉर्डिंग। पहला चैप्टर हैगा दोस्तों तुहाडा HTML अते CSS नाल वैब डिजाइन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन वेट, दोस्तों एक इंपोर्टेंट गल दस देवां कि किन्ने चैप्टर आएंगे तुहानू। तो दोस्तों पहले 4 चैप्टर आएंगे यह सिलेबस दे विच, इन्हां ने दस्या होया वा जिवें कि तुसीं आह देख सकते हो यह कंप्यूटर का सिलेबस आ, ठीक है जी। कंप्यूटर साइंस सिलेबस दोस्तों आप देख लें 11वीं क्लास वाले का। तो पहले 4 चैप्टर आएंगे जिवें कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, पाठ तीसरा, फिर पाठ चौथा, ठीक है जी। तो उस तो बाद सितंबर प्रीख्या जिवें कि तुसीं आह देख सकते हो। तो दोस्तों यही चैप्टर नूं ध्यान दे विच रखते हुए असीं तुहाडी तैयारी करावांगे। तो दोस्तों चलो पहला क्वेश्चन की है, खाली थावां पर उता देखो वैबसाइट क्लीन अते फ्रैश बनाउण लई, ठीक है जी, डिजाइन नूं तरजीह दित्ती जानी चाहीदी है। दूसरा क्वेश्चन, यह एक खोज ते सिख्या गया है, ठीक है, कि आम यूज़र जिहड़ा हैगा एफ पैटर्न विच जिहड़ा हैगा वैब पेजा कंप्यूटर स्क्रीन नूं स्कैन करदे हन। ते दूसरा तीसरा क्वेश्चन अपना है कि HTML दी जिहड़ी हैगी वरतों टैक्सट इमेज अते होर वैब पेजा दे जिहड़े हैगे तत्तां या फिर एलीमेंट्स नूं वैब पेजा तों जिहड़ा हैगा विभाषित करन लई कीती जांदी है। ते उस तों बाद दोस्तों जिहड़ा हैगा CSS दी वरतों नाल दोस्तों जिहड़ा हैगा वा वैबसाइटां अते वैब पेजा दा जिहड़ा हैगा डिजाइन बहुत ही साधारण अते प्रभावशाली ढंग नाल असीं तैयार कीता जा सकदा है। ते पंजवां की है दोस्तों कि बई जिहड़ा हैगा सिलैक्टर, यानी कि सिलैक्टर HTML एलीमेंट चुनण अते निर्धारित करन विच दोस्तों सहायता करदा है। ते दोस्तों बहुत ही छोटे उत्तरां वाले हुण प्रश्न देख लैंदे आ। तां देखो दोस्तों W3C शब्द का संखेप, पूरा नाम लिखो दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वैब जिहड़ा हैगा अपना कंसोर्टियम, ठीक है जी, कंसोर्टियम। तो उस तो बाद दोस्तों CSS शब्द का संखेप, पूरा नाम लिखो दोस्तों, कास्केटिंग स्टाइल शीट, ठीक है जी। एक्सटर्नल CSS फाइल का दोस्तों एक्सटेंशन की है, तो दोस्तों .CSS, ठीक है जी। तो उस तो बाद है कि किस टैग विच दोस्तों इंटरनल CSS नूं दोस्तों HTML वैब पेज विच परिभाषित किया गया है, यानी कि डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों देख सकते हो ये वाले लिंक के नाल। तो उस तो बाद दोस्तों है कि WYSIWYG का पूरा नाम लिखो, वट यू सी इज वट यू गैट, यानी कि, ठीक है जी। तो उस तो बाद छोटे उत्तर वाले प्रश्न देख लो दोस्तों, 4-5 लाइनों में उत्तर लिखो, HTML का मुढ़ला सर्कट लिखो। तो दोस्तों देख सकते हो कि HTML डॉक्यूमेंट जिहड़ा हैगा टैग तो शुरू अते दोस्तों आ वाले टैग नाल खत्म किया जाता है। HTML डॉक्यूमेंट की बनतर दोस्तों मुख्य तौर पर 2 हिस्सों में वंडिया जाता है, ठीक है जी, जिमें कि हैड भाग, यह भाग दोस्तों हैड टैग नाल शुरू अते, ठीक है जी, आ वाले टैग नाल खत्म किया जाता है। इस भाग विच दोस्तों HTML डॉक्यूमेंट के सिरलेख, टाइटल अते जिहड़ा हैगा मैटा डाटा बारे जानकारी हुंदी है। बॉडी भाग दोस्तों, यह भाग दोस्तों बॉडी टैग नाल जिहड़ा हैगा इस टैग नाल शुरू हुंदा है, ते इस टैग नाल दोस्तों यह जिहड़ा हैगा वा की हुंदा वा खत्म किया जाता है। इस टैग विच दोस्तों वह सारी जानकारी शामिल हुंदी है जो वैब पेज ते जिहड़ा हैगा प्रदर्शित किया जाता है, जिवें कि तुसीं इत्थे भी देख सकते हो दोस्तों, आ वाले नाल शुरू होया, आ वाले नाल खत्म हो गया, ठीक है जी। आ बॉडी पाग आ, यह दोस्तों हैड पाग आ, ठीक है जी, इहदे नाल इह शुरू होया, इहदे नाल खत्म, इहदे नाल शुरू इह, इहदे नाल खत्म, ठीक है जी। ते उस तो बाद हुण जे गल करिए तां तुहाडा प्रश्न दूसरा, तां दोस्तों प्रश्न दूसरा, वैबसाइट डिवेलपमेंट दे वख-वख पड़ा की हन। तां दोस्तों वैबसाइट डिवेलपमेंट दे वख-वख पड़ा हेठ दित्ते हो सकते हन, जिवें कि जानकारी इकट्ठी करनी, योजनाबंदी, डिजाइन, विकास, टैसटिंग अते डिलीवरिंग, रख रखा। उस तो बाद दोस्तों जिहड़ा तुहाडा अगला प्रश्न बनेगा उह बने दोस्तों कि वैब विच जिहड़ा हैगा वा HTML दी भूमिका की हुंदी है। तो दोस्तों वैब विच HTML भाषा दी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हुंदी है। इस तो इलावा दोस्तों वैब जिहड़ा हैगा, इस तो बिना दोस्तों वैब संभव नहीं है कि HTML दी जिहड़ी हैगी भाषा वैबसाइट नूं जिहड़ा हैगा डिजाइन करन लई मूल भाषा है, ठीक है जी। तो उस तो बाद दोस्तों जिहड़ा हैगा HTML कोड जिहड़ा हैगा उसकी वरतों स्टैटिक वैब पेजा नूं डिजाइन करन लई कीती जांदी है। HTML विच लिखिया कोड जिहड़ा हैगा वैब ब्राउजर द्वारा जिहड़ा हैगा समझिया जांदा है। वैब ब्राउजर दोस्तों जिहड़ा हैगा HTML कोड अनुसार वैब पेज नूं वेखण योग बना के साडी मोनीटर जिहड़ी हैगी स्क्रीन उपर डिस्प्ले करता है, ठीक है जी। तो दोस्तों अगला है कि क्वेश्चन अपना कि जिहड़ा हैगा CSS किस लई जिहड़ी हैगी वरती जांदी है। तो दोस्तों CSS दा पूरा नाम दोस्तों की है, जिवें कि असीं तुहानूं दस चुके हाँ, कास्केटिंग स्टाइल शीट है। CSS दी वरतों जिहड़ी हैगी वरतों नाल वैबसाइट्स अते वैब पेजां दा दोस्तों जिहड़ा हैगा डिजाइन बहुत ही साधारण अते प्रभावशाली ढंग नाल तैयार किया जा सकता है। साधारण शब्दों में असीं इह कह सकते हाँ कि वैब पेजां नूं डिजाइन करन वाला दोस्तों भाषा है जो वैब पेजां दी दिख नूं बेहतर बनाउण लई वरती जांदी है। इस भाषा नूं दोस्तों सीखना अते समझना आसान है। यह भाषा आम तौर ते दोस्तों HTML भाषा नाल मिलके वैबसाइट बनाउण लई वरती जांदी है। अगला प्रश्न कि वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न दिओ दोस्तों 10-15 लाइनां दे विच कि चंगे
ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਸਿਟੀ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਸਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਦੋਸਤੋ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਹਰੇਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਯੂਜਸ ਟੈਕਸ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੰਡੈਕਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਪੱਖੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟੋਪ, ਮੋਨੀਟਰ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫੀਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹਰ ਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ CSS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ CSS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਇਨਲਾਈਨ ਸਟਾਈਲ, ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ CSS ਦੇ ਕੋਡਸ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਸਕੈਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਗਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਨਲਾਈਨ ਸਟਾਈਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਟੈਗ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ PS ਸਟਾਈਲ ਕਲਰ ਰੈੱਡ ਬੋਰਡਰ 2px ਸੋਲਿਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਲਾਈਨ CSS ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਾਈਲ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟ, ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ CSS ਦੇ ਕੋਡਸ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਟੈਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟ ਪੂਰੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ CSS ਦੇ ਕੋਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ .CSS ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟ ਦੋਸਤੋ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ CSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ CSS ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਭ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੈਬ ਪੇਜ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ CSS ਕੋਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਪਾਵਰਫੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ CSS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। CSS ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ HTML ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸਪੋਰਟ CSS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਹੈ CSS ਬੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CSS ਬੋਕਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ CSS ਬੋਕਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲੇਆਊਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। HTML ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ HTML ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ CSS ਬੋਕਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਇਤਾਕਾਰ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਕਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਜਿਨ, ਬਾਰਡਰ, ਪੈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਮਾਰਜਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ CSS ਬੋਕਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ CSS ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ CSS ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰਡਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ ਕਰਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ HTML ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟਾਈਲ, ਵਿਥ ਅਤੇ ਕਲਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ H1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ PX ਸੋਲਿਡ ਰੈੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਆ ਹੈਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਾਲੇ
ਉੱਪਰ ਦੋਸਤੋ ਸੀ ਡਬਲ ਐਸ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵਿੱਚ ਚੌੜਾਈ ਵਿਦ ਅਤੇ ਬਾਈ 5px ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਈਲ ਸੋਲਿਡ ਸਾਈ ਲਾਈਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਰੰਗ ਰੈੱਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁ ਪਸੰਦੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਊੜਾ ਅਤੇ ਆੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ WWW। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੌਥੇ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਊੜਾ ਅਤੇ ਆੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ google.com, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਆਧਾਰਿਤ ਉਪਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚੌਥਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਖੋਜ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਉਸ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਕਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਗਾਹਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ISP, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। HTTPS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਓਵਰ ਸਕਿਓਰ ਸੋਕਿਟ ਲੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜਾ ਟੂਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਾਬ ਸਰਚ ਇੰਜਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸਨੂੰ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਔਰ ਫੇਵਰੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਕੰਟੈਂਟ ਔਨਲਾਈਨ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ wikipedia.com, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ URL ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਅਤੇ ਫਾਇਰਫੋਕਸ ਓਪੇਰਾ ਆਦਿ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਵੈੱਬ ਉੱਪਰ ਲੱਭੇਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੂਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਮੂਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਵੇਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਸਰੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ 5 ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ
दे ना लिखो तो दोस्तों देखो हैकरस, ठीक है, वायरस, तो अपना दोस्तों स्पाईवेयर, तो अपना दोस्तों वॉर्म्स, तो फिशिंग, तो दोस्तों स्पैमिंग, ठीक है जी। यहाँ वायरस हैं, ठीक है, अपने कोई पंज इंटरनेट दे मतलब थ्रेट्स, यानी कि दोस्तों खतरे ने है, ठीक है। उस तो बाद दोस्तों हैगा अपना कि गूगल सर्च इंजन की व्याख्या करो तो दोस्तों सारे पता ही होना कि गूगल की हूँ, गूगल आ हूँ, ठीक है जी, जिहड़ा आप गूगल क्रोम से चलाने या दोस्तों वैब ब्राउजर से जिहड़ा असी करते हैं जितने आप सर्च करते हैं, ठीक है जी, कुछ भी। तो दोस्तों देखो गूगल सर्च इंजन दुनिया का सर्वोत्तम सर्च इंजन है। यह गूगल सब तो मशहूर उत्पादों में एक है। गूगल अपने सर्च रिजल्टों की गुणवत्ता कारण सब तो मशहूर और भरोसेमंद सर्च इंजन बन चुका है। गूगल अपने यूजर नूं दोस्तों सब तो सही नतीजे पेश करने लई सुझाव एलगोरिथम, ठीक है जी, जिहड़ा हैगा वा दी वरतों कर रहा है। गूगल के दोस्तों संस्थापक जिहड़े हैगे लैरी पेज अते दोस्तों जिहड़े अपने कि सर्जे ब्रिन हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों इंपोर्टेंट है कि गूगल के जिहड़े हैगे आ किहड़े हैं फाउंडर, तो दोस्तों जिहड़े मतलब मेन मालिक किहड़े हैं, तो लैरी पेज इन्हां दे जिहड़े हैगे आ मेन मालिक हैं, ठीक है जी। तो उस तो बाद है दोस्तों कि बुक मार्क, हाँ जी, तो दोस्तों बुक मार्क की है, तो दोस्तों देखो बुक मार्क दोस्तों की है कि वह फेवरेट्स नाल भी जाने जाता है। बुक मार्क की मदद नाल दोस्तों जिहड़ा हैगा वा असी वैब जिहड़े एड्रेस नूं सेव किया जाता है, ता जो दोस्तों जो सानू दोबारा वह वैब एड्रेस ओपन करना हो असी उसनू दोबारा टाइप किए बिना ही तेजी नाल दोस्तों फिर तो खोल सकीए। सारे वैब ब्राउजरों में एड्रेस नू दोस्तों सेव करने की ऑप्शन प्रदान करते हैं। इंटरनेट एक्सपलोलर एक दोस्तों जिहा वैब ब्राउजर है जो वैब एड्रेस नू सेव करन लई फेवरेट शब्द की वरतों करता है। मोजिला फायरफॉक्स गूगल क्रोम आदि इस ऑप्शन की ऑप्शन दोस्तों बुकमार्क कहा जाता है। बुकमार्क सैट करने लई दोस्तों वैब ब्राउजर की एड्रेस बारे एड्रेस बार में दोस्तों स्टार उपर क्लिक किया जाता है। उस तो बाद दोस्तों है कि वर्ल्ड वाइड यानी कि www नू डिफाइन करो, तो देखो दोस्तों www नू दोस्तों वैब या फिर w3 नाम नाल भी जाने जाता है। यह वख वख किस्म दी जानकारी का एक बहुत वड्डा संग्रह है। इस विच दोस्तों सारिया ही पब्लिक वैबसाइटा शामिल होंदिया हन जो कि पूरी दुनिया में इंटरनेट नाल जुड़िया होंदिया हन। हरेक वैबसाइट पेज नू एक विलखण नाम एड्रेस दिता जाता है जिसन दोस्तों URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वैब उपर स्टोर रचना सूचना दोस्तों वैब ब्राउजर इंटरनेट एक्सपलोलर मोजिला फायरफॉक्स आदि की दोस्तों सहायता नाल देखा जा सकता है। वर्ल्ड वाइड डाटा ट्रांसफर लई दोस्तों HTTP प्रोटोकॉल की वरतों करता है। वड्डे उत्तर वाले प्रश्न का दोस्तों देखो कोई चार जिहड़े हैगे ऑनलाइन सर्च इंजन की व्याख्या करो, तो दोस्तों देखो जदों असी दोस्तों किसी जानकारी नूं, ठीक है, सर्च इंजन की वरतों करते हाँ तो दोस्तों ऑनलाइन सर्च करते हुए कुछ सर्चा तकनीकों की वरतों करते हाँ अपनी सर्च में दोस्तों वधेरे प्रभावशाली इफेक्टिवली जिहड़ा हैगा बना सकते हाँ। कुछ मुख्य शर्त तकनीक इस प्रकार हैं दोस्तों कुछ खास कीवर्ड्स की वरतों करके जिमें कि कीवर्ड्स वो हैं जिमें कि जो असी इंटरनेट से समगरी लभण लई वरतते हाँ। कीवर्ड्स नूं दोस्तों जिन्ना संभव हो सके स्पैसीफिक रखो। कोटेशन मार्क्स की वरतों करके दोस्तों जो असी ऑनलाइन सर्च में सर्च किए जाने वाले शब्द को दोस्तों कोटेशन मार्क्स में लिखते हाँ ता जो सर्च इंजन सिर्फ दोस्तों सिर्फ उस ही खास शब्द या फिर वक्स या फ्रेज में ही उपर जो लगेगा उस नाल मिलते जुलते जो है शब्दों सर्च रिजल्ट में नहीं दिखावेगा। एक खास साइट की सर्च जो दोस्तों असी अपने सर्च में एक खास साइट उपर ही सीमित रखना चाहते हाँ तो असी साइट डॉट की वरतों करते हाँ, ठीक है जी। उदाहरण के लिए दोस्तों www.psb.ac.in रिजल्ट सानू दोस्तों www.psb.ac.in तो ही दोस्तों वो सारे जिहड़े हैगे पन्ने दिखावेगा जिस विच रिजल्ट लिखा जाएगा, ठीक है जी। रिलेटेड साइट ही दोस्तों सर्च एक होर लाभदायक रिलेटेड है कि इसनों दोस्तों वैबसाइट के जिहड़े हैगे टाइप करो जिस बारे दोस्तों पहला ही जानकारी आ जाएगी जिवें कि related.abc.com सारे सर्च जिहड़े हैगे रिजल्ट वो सारिया वैबसाइटा नज़र आउणगियां जो दोस्तों abc.com नाल मिलदियां जुलदियां होणगियां। ते हुण दोस्तों तुहाडा 11वीं जमात देख लो प्रश्न दूसरा कि ऑनलाइन शॉपिंग के फायदे ते नुकसान, यह दसण दी मैनूं लोड़ नहीं हैगी कि फायदे ते नुकसान ने, यह तुहानूं भी पता होना जिवें कि ऑनलाइन खरीदी दे फायदे की हैं दोस्तों। सहूलत मिलती है, बेहतर कीमत, ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, तोहफे भेजने लिए आसानी हुंदा दोस्तों, वधेरे नियंत्रण कीमतों की दोस्तों तुलना आसान हो जाती है, कोई भीड़ नहीं होंदी, ठीक है जी, आपां देख के आराम नाल देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके नुकसान की हैं, पैकेजिंग का दोस्तों जिहड़ा हैगा नैगेटिव वातावरण प्रभाव, ठीक है जी, शिपिंग विच दोस्तों मुश्किलां ते देरी हो जाती है, कई बार धोखाधड़ी भी हो जाती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा समा जिहड़ा हैगा ऑनलाइन बिताना पैंदा वा, समान की जिहड़ी वापसी रिटर्न का जो दोस्तों गुंझलदार है, सानू पता नहीं लग सकता कि वापस किवें होगा अगर कोई खराब प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, असी बिल्कुल नहीं जानते कि असी की प्राप्त कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सोशल नेटवर्किंग की है, कोई दो सोशल नेटवर्किंग साइट बारे दसो, ठीक है जी, जिमें कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंकडइन यानी कि इंस्टाग्राम, ये सारे दोस्तों की ने सोशल
नैटवर्क ही ने, ठीक है जी, सोशल मीडिया ने। सोशल नैटवर्क तो आप दोस्तों इंटरनेट आधार सोशल मीडिया साइटों की वरतों करते हुए दोस्तों परिवार मैंबर सहयोगियों या फिर ग्राहकों नाल जुड़े रहना, यानी कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक दोस्तों जो भी है, इंस्टाग्राम अगर तुम यूज़ करते हो तो दोस्तों इंस्टाग्राम तो याद आया कि मैंने इंस्टाग्राम आई डी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिता हुआ है, तुम मैं उतो मैसेज भी कर सकते हो, मैं उत्तर रिप्लाई सारे का करता हूँ। तो दोस्तों अगर की है कि कुछ महत्वपूर्ण सोशल मीडिया साइटों की उदाहरण हैं, जिवें कि फेसबुक। फेसबुक सब तो ही वड्डी दोस्तों सोशल मीडिया साइट है। अगर दोस्तों ये एग्जाम के आ गया तो कि फेसबुक, यूट्यूब ये एक्सप्लेन करना, तो दोस्तों तुम तो इस दिन राही मेरे अकॉर्डिंग तुम दो दो की तीन तीन पेजा भी भर दोगे फेसबुक के बारे की होंगे फेसबुक, ठीक है जी। तो फेसबुक, यूट्यूब, तो देखो दोस्तों फेसबुक यह सब तो वड्डी सोशल मीडिया साइट है। बहुत सारे लोग समाजिक या फिर व्यापारिक उद्देशों इसकी वरतों या यूज़ करते हैं। तुम किस यूज़ के लिए दोस्तों फेसबुक में यूज़ करते हो कमेंट बॉक्स के जरूर दस्यो। फेसबुक उपर दोस्तों कंटेंट में वख-वख फॉर्मेट्स में जिवें कि टैक्सट, चित्र, वीडियो, लाइव वीडियो अते कहानियां आदि के रूप में होर शेयर कर सकते हैं। फेसबुक की वरतों करन नाल दोस्तों सानू इस उपर अकाउंट बनाना पैंदा है। यूट्यूब, यूट्यूब दोस्तों की है, यूट्यूब एक वीडियो शेयर करन वाला प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब उपर असी अपने एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, जिस तरह मैं बनाया है तो तुसी वीडियो देख रहे हो, ठीक है जी। इसी तरह जिते असी अपना वीडियोज़ बना के अपलोड कर सकते हैं, वीडियोज़ देखने वाले जिहड़े हैगे लोग साडियां वीडियोज़ नूं लाइक्स, शेयर अते कमेंट कर जिहड़े हैगे कर सकन योग हुंदे हैं। तो दोस्तों इसे तो याद आ गया मैनूं कि तुसी वीडियो नूं लाइक भी करे हो, शेयर भी कर दे हो, ये जिहड़ी तुसी देख रहे हो। अगर दोस्तों मन करे तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है जी, तो जरूर करो। तो उस तो बाद दोस्तों है प्रश्न चौथा कि असी सुरक्षित वैबसाइटा की पहचान किवें कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो पैडलॉक सिंबल की भी व्याख्या करो। तो दोस्तों हर एक वैबसाइट भरोसेयोग अते सुरक्षित नहीं होंदे है, ठीक है जी। तो कई वैबसाइट दोस्तों असुरक्षित होंदे हैं जिन्हें मालवेयर फैल सकती है। तो दोस्तों साड़ी ही जानकारी चोरी कर सकती है, स्पैम भेज सकती है, होर भी बहुत कुछ कुछ जिहड़े हैगे कर सकती है। असी एक सुरक्षित वैबसाइट पर हाँ, ये दोस्तों सुनिश्चित करने लिए सानू साधारण तौर के तरीके जिवें कि एक सुरक्षित वैबसाइट की पहली निशानी वह उसके दोस्तों की है कि HTTPS ते आह वाला ब्रैकेट के नाल शुरू होना चाहिए। अगर इस तरह का है तो दोस्तों मतलब यह जिहड़ा हैगा वा की है यह दोस्तों इसका जिहड़ा हैगा सर्टिफिकेट जिहड़ा हैगा साडे वालों दोस्तों जिहड़ा हैगा साइट उपर भेजी जाने वाली जानकारी नूं सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है जी। उस तो बाद दोस्तों जिहड़ा हैगा एक जिहड़ा हैगा सुरक्षित, हाँ जी, एक सुरक्षित वैबसाइट दूजी निशानी उपर दिखाई देने वाली दोस्तों जिहड़ी हैगी बंद जिहड़ी हैगी पैडलॉक है, यानी कि दोस्तों आ वाली, ठीक है जी। अगर यह हैगी है किसी दे तो दोस्तों सुरक्षित आ वैबसाइट, ठीक है जी। इंटरनेट डाटा दोस्तों शुरुआती बिंदु यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट अते अपनी मंजिल डेस्टिनेशन तक पहुँचते हुए दोस्तों कई रूटा राही यात्रा करता है। यात्रा हर पॉइंट यह संभव है कि कोई डाटा चोरी करके पढ़ सकता है। एक जिहड़ा हैगा बंद पैडलॉक यह दर्शाता है कि वैब ब्राउजर अते वैबसाइट के विचकार जासूसी रोकने लिए दोस्तों कनैक्शन इनक्रिप्ट किया गया है। जदों असी इस बंद पैडलॉक पर क्लिक करते हैं तो सानू एक मैसेज दिखावेगा जिस विच लिखा होंदा है कनैक्शन इज सिक्योर, जिवें कि तुसी आह देख सकते हो, ठीक है। तो उस तो बाद दोस्तों होर तुहानू दसीए तो देखो अगला प्रश्न है, हाँ जी, तो देखो दोस्तों अगला प्रश्न की है अपना, तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि यात्रा विच फास्टैग सुविधा इस दे लाभ, ठीक है जी। फास्टैग तुहानू पता ही होना कि टोल प्लाजा पर, ठीक है जी, जो असं लंघते हैं गड्डी लैके तो साडा कार दे अगे या फिर किसी भी बस वगैरह पर वो फास्टैग के स्टिकर लगे होंगे, ठीक है जी। तो उस वो अकाउंट नाल जुड़े होंगे तो उतों ही पैसा कट जाता वा टोल का, ठीक है जी। तो देखो फास्टैग अजिहा टैग है या फिर जिसके द्वारा टोल प्लाजा उपर दोस्तों टोल खर्चे की अदायगी अपने आप ऑटोमैटिक डिडक्शन ज हो जाती है, ठीक है जी। जिसकी वरतों करते हुए असी नकदी लैन देन लई दोस्तों बिना रुके टोल प्लाजे विच लंघ सकते हाँ। फास्टैग एक प्रीपेड खाते नाल जुड़िया हुंदा है जिस तो दोस्तों जिहड़ी हैगी अपनी टोल की रकम जिहड़ी हैगी कटौती अपने आप हो जाती है। फास्टैग विच दोस्तों RFID यानी कि रेडियो फ्रीकुएंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक की वरतों की जाती है। फास्टैग की दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गा ते आसान यात्रा लई एक सही गल है। फास्टैग की वरतों करन दे फायदे दा दोस्तों देखो भुगतान की सौख हो जाती है, समय की बचत हो जाती है दोस्तों, ऑनलाइन दोस्तों जिहड़ा रिचार्ज, ठीक है जी, ते मैसेज भी कर सकते हैं, मैसेज अलर्ट भी सानू हो जाती है। ते दोस्तों वैधता, फास्टैग की वैधता दोस्तों 5 साल की होंगी है, फिर उस तो बाद रिन्यू करानी पैंती है। उस तो बाद दोस्तों तुहाडा पाठ तीसरा है बहुपसंदी जिहड़ा हैगा प्रश्न, देखो साइबर शब्द हेठ लिखे किस शब्द तो जिहड़ा हैगा लिया गया है। तो दोस्तों ये साइबरनेटिक तो लिता गया है। सॉफ्टवेयर या फिर दोस्तों होर कंप्यूटर जिहड़ी हैगी आधारित समगरी की कापी करके अगे वेचण नूं की कहा जाता है, तो दोस्तों उसनों कहा जाता है अपना पाइरेसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह केड़ा मालवेयर हुंदा है जो कंप्यूटर आधारित प्रणाली विच एक जासूस की तरह काम करता है, तो दोस्तों वह हुंदा है अपना स्पाईवेयर।
ठीक है जी, जो कि ठीक है दोस्तों। उस तो बाद वह केड़ियाँ सुरक्षा तकनीक है जो कि पासवर्ड नूं विशेष चिन्हां विच बदल दिंदी है, तो दोस्तों वह है अपना इनक्रिप्शन, ठीक है जी। तो उस तो बाद है दोस्तों आई टी एक्ट 2000 नूं होर किस नाम नाल जाणिया जांदा है, तो उसनों आई टी ए 2000 नाम नाल भी जाणिया जांदा है। उस तो बाद दोस्तों कि वह इलैक्ट्रॉनिक वातावरण जिस विच इंटरनेट यूजर आपसी संचार करते हैं, तो दोस्तों साइबर स्पेस। उस तो बाद दोस्तों खाली थावां पर होता देखो जिहड़ा हैगा अपना मालवेयर हुंदा ना दोस्तों, वह कंप्यूटर प्रणाली नूं दूषित कर दिंदे हन, ठीक है जी, मालवेयर। तो दोस्तों जिहड़े अपना डिजिटल सिग्नेचर एक दोस्तों डिजिटल कोड हुंदा है जो कि ऑनलाइन दस्तावेज़ नूं दोस्तों वेरीफाई करता है। तो उस तो बाद तीसरा देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर साडे कंप्यूटर नूं दोस्तों की करते हैं, वायरस तो सुरक्षित करता है। उस तो बाद दोस्तों जिहड़ा अपना फायरवॉल है ना, यह कंप्यूटर आधारित प्रणाली विच एक सुरक्षा कंध की तरह काम करता वा, ठीक है। तो उस तो बाद दोस्तों कोई अनअधिकारित व्यक्ति जिहड़ा हैगा वा दोस्तों वह की है, वह दोस्तों वैब जैकिंग यानी कि वैब जैकिंग द्वारा दोस्तों जिहड़ा हैगा वा किसी वैबसाइट विच बदलाव कर सकता है, वैब जैकिंग, ठीक है जी। उस तो बाद दोस्तों हैगा अपना इंटरनेट नाल जुड़े दोस्तों सारे सर्वरां दे यूआरएल जिहड़े हैगा एड्रेस नूं दोस्तों की कहिंदे हन, तां दोस्तों www ते स्टोर हुंदे हन, ठीक है जी, कहिंदे नहीं इहदे विच स्टोर हुंदे हन, ठीक है जी, www, ठीक है जी, वर्ल्ड वाइड वैब। तो उस तो बाद दोस्तों बहुत छोटे उत्तरां वाले प्रश्न, तां देखो दोस्तों पहला जिहड़ा हैगा वा, हाँ जी, तो देखो पहला आई टी एक्ट कदों होंद विच आया, तो दोस्तों अक्तूबर 17 अक्तूबर 2000 दे विच आया सीगा पहला आई टी एक्ट। तो दोस्तों कोई दो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम दसो, तो दोस्तों अवीरा, ठीक है जी, नॉर्टन एंटीवायरस, ये साडे एंटीवायरस ने दोस्तों। उस तो बाद हैगा कि सर्ट इन का संखेप रूप दे विच दोस्तों लिखो, तो दोस्तों देखो सर्ट इन का की आ जाएगा, तो दोस्तों इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पोंस टीम, ठीक है जी। आई टी ए 2000 का संखेप पूरा नाम लिखो, तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है जी। तो उस तो बाद छोटे उत्तरों वाले प्रश्न देखो दोस्तों की है कि पायरेसी की होंदी है, तो दोस्तों इसनों डिफाइन करो, तो देखो दोस्तों साइबर खतरियां की लड़ी विच दोस्तों जिहड़ा हैगा अपना पायरेसी दोस्तों एक साइबर अपराध है जदों किसी व्यक्ति द्वारा किसी सॉफ्टवेयर या फिर किसी समगरी नूं उसके असल मालिक की मंजूरी तो बिना कॉपी करके मार्केट में बेचा जाता है, तो इसी तरह दोस्तों साइबर अपराध नूं जिहड़ा हैगा पायरेसी कहा जाता है। जिवें कि पायरेसी नाल दोस्तों यूट्यूब पर भी है, जिवें कि अगर साडी कोई वीडियो है, कोई साडी वीडियो नूं विदाउट परमिशन, ठीक है जी, अगर यूज़ करता वा या फिर अपलोड करता वा, तो असं उसते दोस्तों की है कॉपीराइट का क्लेम भी कर सकते हैं, तो स्ट्राइक भी दे सकते हैं। इस तरह हुंदा वा दोस्तों, ठीक है, यूट्यूब पर भी हुंदा वा, तो बाकी दोस्तों होर भी कई फील्डां ते सारे ते जगह हुंदा वा, क्योंकि हर एक चीज़ का दोस्तों कॉपीराइट हरेक कोल हुंदा वा जिहड़ी उसने बनाई है, ठीक है जी, तो मंजूरी जरूरी हुंदी है, ठीक है। तो उस तो बाद दोस्तों पायरेसी नाल सॉफ्टवेयर या फिर समगरी के असल मालिक नूं दोस्तों वित्तीय नुकसान पहुँचता है, तो अजोके समय में अलग अलग सॉफ्टवेयर या फिर आडियो वीडियो की आदि समगरी की पायरेसी आम जही गल है। उस तो बाद दोस्तों वैब जैकिंग बारे जानकारी दिओ, तो दोस्तों वैब जैकिंग एक साइबर अपराध है, यह एक जैकिंग की तरह है दोस्तों, हुण अधिकारिक कार्रवाई हुंदी है। इस विच दोस्तों किसी हैकर द्वारा अपने निजी हितों लई दोस्तों किसी वैबसाइट नूं जैक करके उस वैबसाइट ते पई सूचना नूं बदल दिता जांदा है। पिछले समय विच वैब हैकरां द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अते बंबे क्राइम ब्रांच की वैबसाइट नूं हैक किया गया सी, ते उस तो बाद दोस्तों जो कि अनअधिकारिक ऑनलाइन कार्रवाई सी, अते हैकरां द्वारा इस दी कार्रवाई नूं दोस्तों वैब जैकिंग कहा जाता है। उस तो बाद है दोस्तों सलैमी अटैक या फिर हमले की होंदे हन, तां दोस्तों देखो सलैमी अटैक या फिर हमले वह साइबर अपराध है। इस तरह दोस्तों ऑनलाइन हमले आम तौर पर दोस्तों बैंकिंग खेत्र विच देखण नूं मिलते हैं। इस तरह दोस्तों ऑनलाइन हमलों विच किसी बैंक के ग्राहक के खातों में थोड़े समय बाद दोस्तों थोड़े थोड़े पैसे कढ़े जाते हैं, किसी अनजाण व्यक्ति या फिर सलैमी एक्टर के खाते में जाते रहते हैं। ग्राहक नूं दोस्तों इस बारे पता भी नहीं चलता, क्योंकि अजिहे ऑनलाइन हमलों में दोस्तों उन्होंने ग्राहक के खातों को निशाना बनाया जाता है जिन्हों के खातों की राशि ज़्यादा रहती है और पैसे का लेन देन वध हुंदा है, ठीक है जी। तो यह सलैमी अटैक है। तो उस तो बाद है अपना आह देख सकते हो दोस्तों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बारे संखेप में जानकारी दो, तो दोस्तों एंटीवायरस एक अजिहा सॉफ्टवेयर है जो साडे कंप्यूटर नूं किसी भी तरह का वायरस दे सुरक्षित करता है। इसनों एंटी मालवेयर भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो क्योंकि दोस्तों कोई भी वायरस एक मालवेयर हुंदा है जिसके विरुद्ध यह काम करता है, यह सॉफ्टवेयर दोस्तों साडे जिहड़े हैगे कंप्यूटर विच वायरस नूं जां फिर दोस्तों ऑन नहीं दिंदा, या फिर जेकर उसनों आ भी जाए तो स्कैन करके दोस्तों वायरस नूं खत्म कर दिंदा है। अजोके समय लई दोस्तों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिमें कि AVG, अवीरा, मैक कैफे, अवास्त, अपना दोस्तों कस पर स्काई एड अवेयर नॉटन, ठीक है जी, आदि एंटीवायरस हैं।
तो दोस्तों अगला है अपना कि साइबर स्पेस अते WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वैब विचकार अंतर दसो। तो देखो दोस्तों साइबर स्पेस इंटरनेट की दुनिया में वह इलैक्ट्रॉनिक वातावरण है जिसनों दोस्तों देखा या फिर पढ़िया नहीं जा सकता, सिर्फ दोस्तों उसको भावनात्मक तौर पर महसूस किया जा सकता है। यह वातावरण में रह के इंटरनेट यूजर लिए दोस्तों आपसी संचार करते हैं। यह दोस्तों वर्ल्ड वाइड नालों भिन्न है यानी कि WWW दोस्तों वह सूचना प्रणाली है दोस्तों जिथे इंटरनेट नाल जुड़ी वैब सर्वर के URL दे अते वक्ख वक्ख वैब पेजा ते लिंक स्टोर हुंदे हन। WWW द्वारा दोस्तों वह इलैक्ट्रॉनिक वातावरण सिरजिया है जिसनों दोस्तों साइबर स्पेस कहा जाता है। आई टी एक्ट 2000 दे कोई चार उद्देश तो दोस्तों देखो की हन, तो इलैक्ट्रॉनिक सूचा अते डाटा ट्रांस संचार नूं दोस्तों कानूनी मानता देना, डाटा या फिर सूचना नूं ऑनलाइन स्टोर करन दी सुविधा प्रदान करना, साइबर अपराधा दी रोकथाम लई दोस्तों कानून ढांचे दी व्यवस्था करना, बैंकां विच इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नीति नूं मानता देना, समुचे भारत विच इलैक्ट्रॉनिक कमर्स नूं लागू करना, इलैक्ट्रॉनिक बिजनेस या व्यापार नूं उत्साहित करना। तो उस तो बाद दोस्तों वड्डे उत्तर वाले प्रश्न, पहला प्रश्न की है साइबर हमले दी, साइबर हमले की होंगे हैं, पांच तरह के साइबर हमले का वर्णन करो। तो दोस्तों देखो इंटरनेट की दुनिया में वह सारी कार्रवाइया साइबर हमलों की श्रेणी में रखा गया है जिन्हां राही दोस्तों इंटरनेट की वरतों करते हुए कंप्यूटर आधारित प्रणालियों को नुकसान पहुँचाया जाता है। कुछ मुख्य साइबर हमलों वर्णन इस प्रकार है। तो दोस्तों पायरेसी यानी कि इस विच दोस्तों असी किसी व्यक्ति द्वारा किसी सॉफ्टवेयर या फिर होर समग्री नूं उसके असल मालिक की बिना मंजूरी या इच्छा तो बिना कॉपी करके मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है जी। वैब जैकिंग, इस विच दोस्तों असी हैकर द्वारा अपने निजी हितों लिए दोस्तों किसी एक वैबसाइट नूं जिहड़ा हैगा जैक करके उस वैबसाइट पर दोस्तों सूचना नूं बदल दी जाती है। सलैमी यानी कि दोस्तों सलैमी अटैक असी तुहानूं उपर भी दस्सिया है कि किसी किसी बैंक के ग्राहक के खातों में थोड़े थोड़े समय बाद थोड़े थोड़े पैसे कढ़े अते किसी अनजाण व्यक्ति के जिहड़े हैगे आ खाते विच जांदे रहिंदे हन। ते अपना हैगा दोस्तों स्टॉकिंग यानी कि इस विच दोस्तों किसी एक व्यक्ति द्वारा ठीक है जी इंटरनेट एप्लीकेशन का या फिर दोस्तों सोशल मीडिया या कह सकते दोस्तों सोशल मीडिया की वरतों करते हुए दूसरे व्यक्ति ने दोस्तों उसका जिहड़ी है इच्छा के विरुद्ध कोई संदेश अनुचित समगरी भेजी जाती है। हैकिंग दोस्तों इस विच किसी ना किसी तरीके नाल ठीक है व्यक्ति के कंप्यूटर या फिर उसके सोशल मीडिया अकाउंट या फिर वैबसाइट नाल छेड़छाड़ करके उसनों नुकसान पहुँचाया जाता है। उस तो बाद दोस्तों है कि साइबर हमलों के कारण की जिहड़ा है विस्तार सहित व्याख्या करो। तो दोस्तों देखो साइबर हमलों के कुछ मुख्य कारणों का वर्णन हेठ किया हुआ है। इंटरनेट तक आसान पहुँच यानी कि दोस्तों अजोके समय में इंटरनेट की वरतों करना बहुत आसान हो गया है। ठीक है जी। लोग इंटरनेट उपर वख वख तरीकों नाल दोस्तों जान अनजान अपने निजी जानकारी शेयर कर रहे हैं। अजिहा करन नाल दोस्तों साइबर अपराधियों नू साइबर हमले करन विच जिहड़ा है बल मिल रहा है। तकनीकी जानकारी की घाट, लोग आसानी नाल दोस्तों इंटरनेट का इस्तेमाल तो कर रहे हैं परंतु दोस्तों बहुत लोग इंटरनेट संबंधी तकनीकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं हुंदी है। अजिहे व्यक्ति दोस्तों अनजान लिंक्स या फिर साइट उपर अपनी निजी जानकारी जिहड़े है भर के साइबर अपराधियों का जिहड़ा है जाल विच फस जाते हैं। सिक्योरिटी अते प्राइवेसी की जिहड़ी है सुचज्जी वरतों ना करना, बहुत लोग इंटरनेट की वरतों समय किसी तरह की सिक्योरिटी या प्राइवेसी जिहड़ी है प्राइवेसी की वरतों नहीं करते जिस कारण साइबर अपराध आसानी नाल जिहड़ा है उन्होंने ऑनलाइन खात्या नूं नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो अपराधिक बुद्धि या फिर दोस्तों बदले की भावना, तो देखो दोस्तों अपराधिक बुद्धि या फिर बदले की भावना अजोके समय में बहुत सारे मनुख नूं अपराधिक बुद्धि या फिर बदले की भावना करके भी साइबर हमले का वो शिकार होंदे हन, मतलब बढ़ रहे हैं। उस तो बाद दोस्तों IT जिहड़ा है अपराध अते कानून की अज्ञानता यानी कि साइबर हमलों की गिणती इस करके भी वधी है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को IT अपराधों अते उस संबंधी कानून का ज्ञान नहीं है। उस तो बाद दोस्तों मालवेयर तो की भाव है, तो देखो मालवेयर दी पांच किस्मां व्याख्या करो। तो दोस्तों मालवेयर अंग्रेजी के दो शब्द माल अते वेयर दे बनया है। माल शब्द दोस्तों मतलब है मलशियस, ठीक है जी, तो शब्द तो बनया है अते वेयर तो शब्द तो भाव है दोस्तों सॉफ्टवेयर तो लिया गया है। इसी तरह दोस्तों असं कह सकते हैं कि उन्होंने सॉफ्टवेयर के समूह में मालवेयर कहा जाता है जो किसी न किसी रूप में कंप्यूटर आधारित सिस्टम को दूषित करन या फिर नुकसान पहुँचाने लिए बनाए जाते हैं। कंप्यूटर वायरस मालवेयर की एक साधारण उदाहरण है। ठीक है जी। मालवेयर दियाँ कुछ मुख्य किस्मां व्याख्या इस प्रकार हैं यानी कि कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस दोस्तों एक अजिहा जिहड़ा है मालवेयर सॉफ्टवेयर हुंदा है या फिर जो हुंदे हैं जो कंप्यूटर में आके दोस्तों डाटा ते कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जिहड़ा है दूषित कर देंदे हैं। उस तो बाद है दोस्तों स्पाईवेयर यानी कि स्पाईवेयर एक अजिहा जिहड़ा है मालवेयर सॉफ्टवेयर हुंदे हैं दोस्तों जो कि बिना आग्या किसी कंप्यूटर विच दोस्तों दाखिल होकर उसकी गुप्त सूचना या फिर डाटा जिहड़ा इंटरनेट राही दोस्तों साइबर अपराधियों को भेजी जाती है। इसी तरह दोस्तों यह सॉफ्टवेयर एक जासूस की तरह दोस्तों जिहड़ा है काम करता है। उस तो बाद दोस्तों है अपना
रैंसवेयर रैंसमवेयर। तो दोस्तों रैंसमवेयर दोस्तों एक अजिहे मालवेयर सॉफ्टवेयर हुंदे हन जो समुचे कंप्यूटर जां सिस्टम दा जो किसी जरूरी दस्तावेज नूं दोस्तों लॉक कर दिंदे हन। इस साइबर अपराधियां वल्लों दोस्तों कंप्यूटर जां फिर दस्तावेज नूं दोस्तों जिहड़ा हैगा वा अनलॉक करन दे बदले पैसों की फिरौती मंगी जाती है। उस तो बाद दोस्तों है अपना ट्रोजन होर्स यानी कि एक अजिहे मालवेयर सॉफ्टवेयर हुंदे हन जो दोस्तों शुरू विच कंप्यूटर यूजर नाल मित्रता वाला बर्ताव करते हैं पर बाद विच कंप्यूटर कंट्रोल असल यूजर दे खो के साइबर अपराधियों के हाथ दे देंदे हैं। ब्राउज हैकिंग यानी कि ब्राउजर हैकिंग अजिहे मालवेयर सॉफ्टवेयर होंदे हैं जो कि दोस्तों यूजर दे वैब ब्राउजर नूं हैक करके उसके वैब ब्राउजर दियां सैटिंगां नूं बदल देंदे हैं अते उस ब्राउजर दे कुछ वैबसाइटां अपना खुला लेंदे हैं। ठीक है जी। तो उस तो बाद दोस्तों साइबर सुरक्षा की है, पांच साइबर सुरक्षा तकनीकों बारे जानकारी दिओ। तो दोस्तों देखो साइबर हमले का दोस्तों मार तो बचने लई कई तरह दीआं तकनीकां वरतियां जांदियां हन। इन्हां नूं वख-वख तकनीकां नूं ही दोस्तों समूहिक तौर पर साइबर सुरक्षा का नाम दिता गया है। कुछ जिहड़े हैगे मुख्य साइबर सुरक्षा तकनीकों का जिहड़ा हैगा वर्णन इस प्रकार है। तो दोस्तों ऑथेंटिकेशन यानी कि एक अजिही जिहड़ी हैगी साइबर सुरक्षा तकनीक है जिस विच कंप्यूटर यूजर नूं इह निर्धारित करदा है कि कौन उसके कंप्यूटर सिस्टम नूं वरत सकता है ते कौन नहीं। ते उस तो बाद है दोस्तों स्ट्रोंग पासवर्ड राही भी असी जिहड़ा हैगा साइबर सुरक्षा तो बच सकते हैं। ते दोस्तों इनक्रिप्शन तो भाव है कि अपने डाटा नूं दोस्तों जिहड़ा हैगा वा कि नैटवर्क उपर भेजिया जाने वाला डाटा दोस्तों समझ आने वाले विशेष चिन्हों की तब्दील कर किया जाता है। डाटा ट्रांसमिशन दौरान उसनों दोस्तों कोई पढ़ नहीं पाँगा इनक्रिप्शन के दौरान जिमें कि वह स्टार के बदल जाता है। उस तो बाद दोस्तों है अपना एंटीवायरस जिमें कि तुहानू पता है कि एक अजिहा सॉफ्टवेयर है जो साडे कंप्यूटर नू किसी भी तरह के वायरस तो सुरक्षित रखता है। इसनों दोस्तों एंटी मैलवेयर भी कहा जाता है। ठीक है जी, यानी कि बचाने वाला। तो उस तो बाद दोस्तों फायरवॉल भी एक अजिहा वा जो कि सुरक्षा तकनीक ही है दोस्तों। ये भी कंप्यूटर ते कंप्यूटर नैटवर्क में दोस्तों वायरस या फिर होर किस्म के जिहड़े हैगे साइबर हमले तो सुरक्षित करती है अपनी फायरवॉल भी। यह एक मजबूत दीवार बना के दोस्तों साडे कंप्यूटर नूं हर तरह की मालवेयर तो बचाती है ते किसी अपने अनअधिकारित व्यक्ति नूं दोस्तों साडे कंप्यूटर नूं एक्सेस करन की आग्ञा नहीं दिंदी। उस तो बाद दोस्तों IT एक्ट की है। ठीक है जी, इस दीआं विशेषतावां तां दोस्तों देखो साइबर खतरों नूं ध्यान दे विच रखदे हुए इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वरतों कानूनी दायरे के अंदर लियाउण दे लई दोस्तों भारत सरकार ने 17 अक्तूबर 2000 नूं एक एक्ट पास किया जिसनों IT इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 दा नाम दिता गया। इस एक्ट नूं दोस्तों ITA 2000 भी कहा जाता है। इस एक्ट दीआं कुछ दोस्तों मुख्य विशेषतावां इस प्रकार हन। IT एक्ट दीआं विशेषतावां, इस एक्ट विच दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर दस्तखत नूं कानूनी मान्यता दित्ती गई है। इस एक्ट विच दोस्तों इलैक्ट्रॉनिक माध्यम राहीं किए जाने वाले वित्तीय लैण देण नूं पूरी मान्यता दित्ती गई है। यह एक्ट पूर्ण तौर पर दोस्तों साइबर क्राइम अते इलैक्ट्रॉनिक कमर्स नाल संबंधित एक्ट है। इस एक्ट विच दोस्तों सरकारी दफ्तरां अते एजेंसियां दे फार्म ऑनलाइन जमा करन नूं दोस्तों कानूनी मान्यता दित्ती गई है। इस एक्ट विच दोस्तों साइबर अपील रेगुलेशन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है जो कि साइबर संबंधी अपील ते कार्रवाई करता है। इस एक्ट अनुसार दोस्तों साइबर अपील रेगुलेशन ट्रिब्यूनल दे आदेश खिलाफ़ सुनवाई यह दोस्तों सुप्रीम कोर्ट विच ही हो सकती है। तो दोस्तों पाठ चौथा कंप्यूटर सिस्टम मेंटेनेंस का बहुपसंदी प्रश्न। तो दोस्तों देखो कि डैश एक प्रक्रिया है जिस द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम नू जारी किए जाने तो बाद बदलिया जा फिर अपडेट किया जा सकता है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। ठीक है जी, कंप्यूटर विच दोस्तों जिहड़ा हैगा वा ब्रीटिंग नू दोस्तों की है, कंप्यूटर विच दोस्तों ब्रीटिंग नू एक कंप्यूटर चालू करन दी प्रक्रिया है। ठीक है जी, उस तो बाद है दोस्तों इन्हां विचों केड़ा कंप्यूटर पोर्ट की किस्म नहीं है। तो दोस्तों प्रिंटर। ठीक है जी, तो बाकी आह तीन इस दियां पोर्ट हैं। ठीक है जी, उस तो बाद दोस्तों चौथा है कि भाई जिहड़ा अपना विंडोज़ डिफेंडर है ना दोस्तों वह सिक्योरिटी उपकरण विंडोज़ के नवीनतम वर्जन विच बनाया गया है अते साडे कंप्यूटर नूं वायरस अते होरां मालवेयरां तों बचाउण विच सहायता करदा है। किहड़ा? विंडोज़ डिफेंडर। अगला है दोस्तों जिहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना दोस्तों वह एक सॉफ्टवेयर है जो कि दोस्तों आखिरी उपभोक्ता यानी कि एंड यूजर अते कंप्यूटर हार्डवेयर दे विचकार एक जिहड़ा हैगा इंटरफेस वजो काम करता है। उस तो बाद दोस्तों तुहाडा हुण अगला है ते दोस्तों खाली थावां भरदिआं हुण देखो पहला की है कि भाई जिहड़ा अपना यह प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है ना दोस्तों यह नियमित आधार पर हार्डवेयर की जाँच करन दी यह सुनिश्चित करन दी जिहड़ी हैगी प्रोसैस है कि यह एक वधिया चल रही क्रम विच है। ठीक है जी, दूसरा की है तो दोस्तों दूसरा देखो कि जिहड़ा अपना एक जिहड़ा हैगा ड्राइवर है ना दोस्तों वह एक सॉफ्टवेयर है जो एक उपकरण साडे कंप्यूटर नाल काम करन लई वरतदा है। अगला है कि एक जिहड़ा अपना दोस्तों पोर्ट है ना वह एक शरीरक डोंकिंग पॉइंट है जिस दी दोस्तों वरतों नाल एक बाहरी उपकरण कंप्यूटर नाल जोड़िया जाता है जिवें कि प्रिंटर वगैरह। ठीक है जी, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। तो उस तो बाद चौथा है कि दोस्तों जिहड़ा अपना एक जिहड़ा हैगा फॉन्ट। ठीक है जी, वह की है टाइप फेस अते होर गुणा दा सुमेल है जिवें कि आकार पिच अते स्पेसिंग। ठीक है जी, उस तो बाद है अपना दोस्तों पंजवा
कि अपना दोस्तों जिहड़ा हैगा लॉग ऑफ की वरतों करदे हां असी अपने विंडोज़ जिहड़ा हैगा सैशन नूं खत्म कर सकते हाँ, अपनियां चीज़ां नूं सेव कर सकते हाँ, प्रोग्राम नूं बंद भी कर सकते हाँ। ठीक है जी, पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चलता रहिंदा है अते दूजे यूज़रां नूं दोस्तों कंप्यूटर वरतन की आग्या दिंदा है। उस तो बाद दोस्तों हेठ लिखे हैं पूरा नाम लिखो, तो दोस्तों PNP का फुल फॉर्म की आ जाएगा, प्लग एंड प्ले, ठीक है, USB का आ जाएगा दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस VGA का आ जाएगा दोस्तों, वीडियोग्राफिक अडैप्टर, तो UAC का आ जाएगा दोस्तों, यूजर अकाउंट कंट्रोल, तो OS का आ जाएगा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम, नैप का आ जाएगा दोस्तों, नैटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। ठीक है जी, तो छोटे उत्तर वाले प्रश्न देख लेने तो दोस्तों देखो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की है, तो दोस्तों मेंटेनेंस तो भाव है कि रख रखाव। ठीक है जी, प्रिवेंटिव जिहड़ा है मेंटेनेंस तो भाव है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर की नियमित तौर पर रख रखाव। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यह सुनिश्चित करता है कि भाई कंप्यूटर सिस्टम ठीक ढंग नाल काम कर रहा है, जे तुसी अपने कंप्यूटर सिस्टम की चंगी तरह देखभाल कर रहे हो तो यह क्रैश नहीं होगा, साडा डाटा नष्ट नहीं होगा, सानू अपने कंप्यूटर दियां समस्यावां नू रोकण लई प्री जिहड़ा हैगा वेंटिव मेंटेनेंस संबंधी दिशा निर्देश की पालना करनी चाहिए है। प्लग अते दोस्तों प्ले जिहड़ा हैगा जिहड़ा अपना डिवाइसिस तो तुहाडा की अर्थ है, तो दोस्तों प्लग अते प्लग एंड प्ले कई बार दोस्तों संखेप रूप में PNP भी कहा जाता है। ठीक है जी, यानी कि प्लग एंड प्ले, तो उस तो बाद दोस्तों एक अजिहे डिवाइस होंगे जो कंप्यूटर सिस्टम नाल जुड़ते सारा अपना काम शुरू कर देंगे हैं, अते इन डिवाइसों की वरतों लई यूज़र नूं अलग तो डिवाइस ड्राइवर नूं इंस्टॉल करन दी जरूरत तो जरूरत नहीं हुंदी है। कंप्यूटर विच अपने आप ही डिवाइसां दी जिहड़ी हैगा जांच करके इन्हां दे ड्राइवर नूं अपने आप ही दोस्तों डाउन जिहड़ा हैगा लोड कर लैंदा है। उदाहरण दे लई दोस्तों कीबोर्ड्स एक प्लग अते प्ले डिवाइस है, जदों असी कीबोर्ड्स नूं कंप्यूटर नाल अटैच करदे हाँ तां कंप्यूटर अपने आप ही इस दे ड्राइवर नूं दोस्तों लोड कर लैंदा है अते कीबोर्ड्स नूं काम करन दे योग बन जांदा है। उस तो बाद दोस्तों की है कि PC सिक्योरिटी नूं टूल्स बारे लिखो, तो दोस्तों कंप्यूटर विचाले डाटा जिहड़ा हुंदा वा, ठीक है जी, उसनूं सुरक्षित रखण लई कंप्यूटर दी सिक्योरिटी महत्वपूर्ण रोल अदा करदी है। कंप्यूटर सिक्योरिटी वख-वख किस्मां दे वायरसां ते जिहड़े मालवेयर्स नूं कंप्यूटर विच दखल होण तों रोकदी है। कंप्यूटर दी सिक्योरिटी लई दोस्तों असीं कंप्यूटर विच वख-वख किस्मां दे टूल्स जां सॉफ्टवेयर दी वरतों करदे हां, इन्हां टूल सॉफ्टवेयर नूं ही दोस्तों PC सिक्योरिटी टूल्स कहा जांदा है। उदाहरण लई दोस्तों एंटीवायरस, ते उस तों बाद दोस्तों एंटी स्पाई वायरस, फायरवॉल्स, विंडोज़ डिफेंडर आदि। ठीक है जी, ते उस तों बाद है दोस्तों अपना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बारे तुसी की जानते हो, तो दोस्तों विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र अते कंप्यूटर हार्डवेयर के विचकार इंटरफेस का काम करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र नूं काम करने लई दोस्तों जिहड़ा हैगा ग्राफिकल जिहड़ा हैगा यूज़र इंटरफेस मुहैया करवाता है। इस नूं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा वालों तैयार किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों ने 1985 विंडोज़ का पहला जिहड़ा वर्जन रिलीज़ किया। माइक्रोसॉफ्ट वालों हुण दोस्तों विंडोज़ के कई वर्जन रिलीज़ किए जा चुके हैं, जिवें कि विंडो इन्हां विच दोस्तों विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 अते विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के महत्वपूर्ण वर्जन हैं। तो हुण दोस्तों विंडोज़ 10 तो बाद विंडोज़ 11 भी आ चुकी है। ठीक है जी, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जिहड़ा हैगा वा कंट्रोल पैनल की हुंदा है, तो दोस्तों देखो कंट्रोल पैनल विच विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस दे मदद नाल यूजर कंप्यूटर सिस्टम दीआं वख-वख सैटिंग्स विच बदलाव कर सकता है। कंट्रोल पैनल विच दोस्तों एप्लीकेशन हुंदियां हन, ठीक है जी, जो कि हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर दीआं वख-वख सैटिंगां नूं भी दोस्तों जिहड़ा हैगा वेखण अते उहनां दे बदलाव करन दी जिहड़ा वरत्या जांदा है। उदाहरण दे लई दोस्तों कंट्रोल पैनल डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस आदि एप्लीकेशनां दी वरतों हार्डवेयर सैटिंग्स लई कीती जांदी है। डेट, टाइम, पावर ऑप्शन, फॉन्ट्स ते अपना एडमिन टूल्स आदि सॉफ्टवेयर सैटिंग्स नाल संबंधित एप्लीकेशन हैं। वड्डे उत्तर वाले प्रश्न तो दोस्तों देखो सॉफ्टवेयर अपडेट अते अपग्रेड दे विचकार अंतर दा, दोस्तों देखो सॉफ्टवेयर जिहड़ा किसी सॉफ्टवेयर विच दोस्तों तब्दीली करन लई दोस्तों अपडेट अते अपग्रेड जिहड़ा हैगा वा वक्रे वक्रे तरीके नाल हुंदे हन, पर इन्हां विच दोस्तों प्रमुख अंतर कीतियां गईयां तब्दीलियां अते उहनां दे शोध करन दी महत्ता विच है। ठीक है जी, तां दोस्तों देखो सॉफ्टवेयर दी अपडेट अते सॉफ्टवेयर अपग्रेड दे विच अंतर की है, तां दोस्तों इह इक अपडेट इक पैच हुंदा है, सॉफ्टवेयर विच मौजूद समस्यावां दे हल लई उपलब्ध करवाया जांदा है। बट दोस्तों इक अपग्रेड विच दोस्तों उत्पाद दे पुराने वर्जन नूं दोस्तों नवें विच तब्दील कर दिंदा है। ठीक है जी, एक अपडेट विच दोस्तों जिहड़ा हैगा अपना बग फिक्स अते होर छोटे सुधार शामिल हुंदे हन। एक अपग्रेड विच दोस्तों कई तरह दीयां नवीयां विशेषतावां अते जिहड़ी कि ऑप्शन शामिल हुंदियां हन। एक अपडेट विच दोस्तों अक्सर आकार विच छोटा हुंदा है, इस दा आकार दोस्तों काफ़ी वड्डा हो सकता है। सॉफ्टवेयर दोस्तों अपने अपडेट के काम विच दोस्तों समा घट लगता है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड के काम विच दोस्तों समा जिहड़ा हैगा ज़्यादा लगता है। अपडेट्स दोस्तों अक्सर दोस्तों मुफ्त हुंदे हन, ते अपग्रेड दोस्तों पैसा खर्चना पैंदा है। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर अपडेट करन अक्सर दोस्तों जरूरी हुंदे हन, सॉफ्टवेयर नूं अपग्रेड करना अक्सर दोस्तों जरूरी नहीं हुंदा है। उस तो बाद दोस्तों है अपना प्रश्न
कि भाई प्रिवेंटिव जिहड़ा हैगा अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, हाँ जी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लई दोस्तों मुंडले दिशा निर्देश की व्याख्या करो। तो दोस्तों जिहड़ा हैगा अपना इस दे जिहड़े हैगे किस तरह के हैं, इस प्रकार हैं जिवें कि कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी हिस्से नूं साफ करन तो पहला दोस्तों सिस्टम नूं बंद अते अनप्लग करो, कंप्यूटर कैश अते इस दीयां पोर्टां नूं भी चंगी तरह साफ करो, माउस के हेठले पासे नूं लगी मिट्टी नूं जिहड़ा हैगा परत नूं साफ रखो करो, माउस के दोस्तों लैफ्ट राइट अते स्क्रोल बटन दोस्तों ज़्यादा जोर नाल ना दबाओ, कीबोर्ड की वरतों दोस्तों बाद उसनों कवर करके रखियो ताकि जो धूड़ मिट्टी उसके इलावा होर मतलब बच सके, धूड़ मिट्टी ना पवे। मॉनिटर दे जिहड़ा हैगा केस की साफ कपड़े नाल दोस्तों सफाई करो, कंप्यूटर दियां पावर केबलों वधिया किस्म दियां वरतनियां चाहीदियां हन, पावर केबल कनैक्शन पॉइंट ढिले नहीं होने चाहिए हैं, DVD या फिर CD डिस्क नूं भी दोस्तों नवी या फिर नरम कपड़े नाल दोस्तों हौली हौली साफ करो, अते डिस्क नूं भी दोस्तों साफ करन वेले उसके केंद्र वल दोस्तों सुराख तो बाहर वल नूं साफ करो, डिस्क नूं दोस्तों सर्कूलर या फिर घूमन वाली दिशा वल साफ ना करो। अगला है क्वेश्चन दोस्तों पोर्टां की हैं, यानी कि पोर्ट की हैं जां फिर दोस्तों किसी भी दो किस्म दियां कंप्यूटर पोर्टां की व्याख्या करो। तो दोस्तों देखो कंप्यूटर पोर्ट एक जिहड़ा हैगा डोंकिंग पॉइंट यानी कि दोस्तों है जिस दी वरतों नाल किसी बाहरी उपकरण नूं कंप्यूटर नाल जोड़िया जाता है, जिवें कि आ USB 3.0 2.0 ठीक है जी, जिवें कि असीं माउस या कीबोर्ड वगैरह जोड़ते हैं उही पोर्ट हुंदा वा ठीक है जी, उस ते ही असीं जोड़िया जाता है। उदाहरण दे लई दोस्तों मोनीटर वैबकैम स्पीकर या फिर होर किसी उपकरण कंप्यूटर नाल जोड़न दे लई पोर्ट्स की वरतों ही की जाती है, PS2 पोर्ट ते एथरनॉट पोर्ट, VGA पोर्ट, USB पोर्ट आदि कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट्स हैं। उदाहरण दे दोस्तों कि दो महत्वपूर्ण पोर्ट्स का वर्णन इस प्रकार है, तो दोस्तों USB दोस्तों एक अजिहा जिहड़ा हैगा मशहूर किस्म की पोर्ट है, इस पोर्ट नूं दोस्तों एक्सटरनल USB डिवाइस जिवें कि प्रिंटर स्कैनर माउस कीबोर्ड आदि नूं कंप्यूटर नाल जोड़न लई वरत्या जाता है। यह पोर्ट दोस्तों 1997 पेश किया गई सी, काले रंग की USB पोर्ट इस दे 2.0 वर्जन नूं अते नीले रंग की USB पोर्ट नूं 3.0 वर्जन नूं दर्शाउंदी है। USB 3.0 पोर्ट डाटा ट्रांसफर की स्पीड USB 2.0 नाल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हुंदी है, USB आधारित USB पोर्ट तो पावर भी प्राप्त कर सकते हैं ठीक है जी, जिवें कि तुसीं आह देख सकते हो, हाँ जी तो दोस्तों आह देख सकते हो कि VGA का पोर्ट आ DVI ठीक है जी, तो यह सीरियल पोर्ट PS2 माउस पोर्ट ठीक है, नैटवर्क आ सारी डायग्राम दिती हुई है, लाइन आउट माइक ठीक है जी, माइक लिए आह जिहड़े पोर्ट हुंदे हन USB 2.0 पोर्ट इस तरह का इन्हां दा हुंदा वा ठीक है। तो हुण जिहड़े तुहाडे फोन दे विच भी हुंदे आ कईआं दे तो वह टाइप सी भी हुंदे हन, कईआं दे USB पोर्ट भी लग्गिया हुंदा वा ठीक है जी। तो दोस्तों देख सकते हो कि VGA का पूरा नाम दोस्तों की है, वीडियोग्राफिक एरे हुंदा वा, अते VGA पोर्ट दोस्तों मोनीटर पोर्ट भी कहा जाता वा ठीक है जी। इस दी वरतों दोस्तों जिहड़ी हैगी आ मोनीटर फ्लैट पैनल डिस्प्ले LCD या LED एक्सट्रा नूं दोस्तों कंप्यूटर दे वीडियो कार्ड नाल जोड़न लई कीती जांदी है, जिवें कि दोस्तों असीं कर CPU ते उहदे विच कनैक्ट करना होवे अपना मोनीटर दे नाल तां उदों VGA पोर्ट दी यूज़ कीता जांदा वा ठीक है। इस पोर्ट विच दोस्तों 15 सुराख हुंदे हन ठीक है जी, आह वाला जिहड़ा पोर्ट आ 15 सुराख हुंदे हन, छोटे छोटे बिंदी इहदे विच ही हुंदे हन। ते उस तों बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, हाँ जी तो अगला प्रश्न है दोस्तों अपना कि यूटिलिटी प्रोग्राम की हैं, किसी भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम नूं विस्थार विच दसो। तो दोस्तों वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के उपर वक्ख वक्ख रिसोर्सां जां फिर दोस्तों फाइलां जां दी मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन नाल संबंधित खास काम करते हैं उन्होंने दोस्तों यूटिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों मैमरी मैनेजमेंट ठीक है जी, वायरस सुरक्षा, फाइल कंप्लेशन आदि काम करने लिए दोस्तों संबंधित प्रोग्राम हैं, यह सॉफ्टवेयर यूजर लिए दोस्तों एक सहायक भूमिका अदा करते हैं। फाइल कंप्रेशन दोस्तों जिहड़ा हैगा वा टूल डिस्क ते अपना दोस्तों डिफ्रेगी मेंटेनशन ठीक है जी, डिस्क क्लीन अपना ते बैकअप दोस्तों क्लीनअप ते बैकअप ते रिस्टोरर आदि दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण यूटिलिटी प्रोग्राम दियां उदाहरण हैं ठीक है जी। ते दोस्तों डिस्क क्लीनअप दोस्तों जिहड़ा हैगा मेंटेनेंस नाल संबंधित यूटिलिटी है, यह दोस्तों जिहड़ा हैगा वा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला तो ही मौजूद है। जदों इस यूटिलिटी की वरतों की जाती है तो दोस्तों यह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क विच पहला उन्होंने फाइलों की खोज करती है जिन्हों की हुण लोड नहीं है, जिवें कि दोस्तों टैंपरेरी इंटरनेट फाइल्स ही दोस्तों रिसाइकल बिन विच पाइयां डिलीट कीतियां फाइलां अते होर टैंपरेरी फाइल आदि अजिहियां वाधू फाइलां लभण तो बाद उन्हां फाइलों नूं दोस्तों कंप्यूटर विच खत्म करन लई प्रोसैस जिहड़ा शुरू कीता जांदा है। इन्हां फाइलों नूं दोस्तों कंप्यूटर विच पक्के तौर ते मिटाउण नाल हार्ड डिस्क दी थां जिहड़ी हैगी उह खाली हो जांदी है। ते उस तों बाद दोस्तों जे गल करिए तां इत्थे तुसीं आह देख भी सकदे हो, इहदा डायग्राम भी बणाया होया वा। ते उस तों बाद दोस्तों अपना इह प्रश्न आ आखिरी प्रश्न देखो दोस्तों कि स्ट्रिंग डाउन विकल्प की हैं समझाओ। तो दोस्तों देखो अपना है कि भाई विंडोज़ विच जिहड़ा हैगा कंप्यूटर नूं बंद करन दी ऑप्शन स्टार्ट मीनू विच हुंदी है, जदों असी स्टार्ट बटन ते क्लिक करते हाँ तो असी शट डाउन बटन ते नाल
कई होर ऑप्शनस भी देखते हाँ जिन्हों का विवरण वर्णन इस प्रकार है। स्विच यूजर इस ऑप्शन की वरतों नाल असी दोस्तों उस समय करते हाँ जो असी अपने विंडोज सैशन ख़त्म करके बिना किसी यूजर नू दोस्तों लॉगिन करन दी आग्या देनी होवे, ठीक है जी। तो उस तो बाद है लॉग ऑफ, तो दोस्तों इस ऑप्शन की वरतों नाल असी अपने विंडोज़ नू ख़त्म कर देंदे हाँ अते दोस्तों मोनीटर स्क्रीन ते सानू दोस्तों लॉगिन स्क्रीन दिखाई देने लग जाती है। लॉक इस प्रक्रिया नाल दोस्तों संपूर्ण लॉगआउट नहीं हुंदा बल्कि दोस्तों विंडोज़ जिहड़ा हैगा वा विंडोज़ लॉगिन जिहड़ा स्क्रीन प्रदर्शित करके कंप्यूटर नू लॉक कर देंदी है ताँ कि दोस्तों साडे जिहड़े हैगे कंप्यूटर नाल कोई छेड़छाड़ जिहड़ा हैगा ना कर सके। तो उस तो बाद दोस्तों कंप्यूटर विच जिहड़ा हैगा वा अपना दोबारा दाखिल होण लई सानू अपना पासवर्ड टाइप करना पैंदा है। रीस्टार्ट दोस्तों जो असी ऑप्शन की वरतों करते हाँ तो कंप्यूटर बंद हो जाता है तो फिर दोबारा अपने आप ही जो ये चालू हो जाता है। इसनों दोस्तों रीसैट या फिर वॉम आउट या रीबूट भी कहा जाता है वह, ठीक है जी। स्लीप इसनों दोस्तों स्टैंडअप बाय वजो भी जाने जाता है। यह ऑप्शन की वरतों दोस्तों कंप्यूटर दोस्तों घट पावर खपत यानी कि दोस्तों लो पावर कंजप्शन मोड में पा दिता जाता है जिस दोस्तों बिजली की बचत होंगी है। शटडाउन दोस्तों इस ऑप्शन नाल दोस्तों टर्न ऑफ वजो जाने जाता है। जो इस ऑप्शन की वरतों करते हैं तो कंप्यूटर पूरी तरह जिहड़ा हैगा वह बंद हो जाता है। तो इत्थे ही दोस्तों तुहाडे ये चार चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तुहाडे सितंबर सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, आज चार चैप्टर सीगे तो असी चारों ही चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो हुण दोस्तों तुहाडे ये चार चैप्टरों ही तुहाडा पेपर आना वा, ठीक है जी। तो बाकी दोस्तों तुसी अपने गाइड या बुक वगैरह तो भी देख लेना वा थोड़ा बहुत, तो इतों जिन्ना असी तुहानू कराया वा इहदे विच ही तुहाडा पेपर आ जाएगा, ठीक है जी। वैरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीगे तुहाडे सितंबर सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी अगर तुहाडी कोई क्वेरी है तुसी मैनू इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम आई डी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच दिता होया वा, ठीक है जी। बाकी वीडियो वधिया लगी तो लाइक जरूर करो, चैनल पर पहली बार आए तो सबसक्राइब जरूर कर लियो, बाकी टैलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लियो, टैलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच दिता होया।